अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज़ कन्फ्यूजिंग वन फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, लिटल बिट कन्फ्यूजिंग फॉर गुड स्टूडेंट्स टू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एंटी टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, पिक करना है चीज़ों को, कन्वर्जेंस को पिक करना है, स्पेशली चैप्टर वन के अंदर मोल मास वॉल्यूम पार्टिकल्स, मोल मास वॉल्यूम पार्टिकल्स, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए मोलर कन्वर्जन का ट्रिक आपको आज बताऊंगा। वेरी इजी ट्रिक, वेरी स्मार्ट, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल सी। हमने आज पढ़ना क्या है, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मोल को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मोल को मास में कन्वर्ट करना, मास को मोल्स में कन्वर्ट करना, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इजी वे ट्रिक, लेट्स सी। ऊपर वॉल्यूम है, मोल है, पार्टिकल्स है, मास है। अगर डियर स्टूडेंट्स आप मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एसटीपी पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, मोल को मल्टीप्लाई करना इस ग्रीन वाले से, दैट इज़ कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो उस गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम निकल आएगा। अब हम चाहते हैं वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दे अगेन इस ग्रीन वाले से, मोलर वॉल्यूम से, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोल निकल आएंगे। तो बेटा ये ट्रिक है मोल को वॉल्यूम में बदलना और वॉल्यूम को मोल में बदलना। अब एक और चीज़ देखते हैं, मास और मोल का रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मोल को मास में बदला जाए, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दे मोलर मास से, तो क्या निकल आएगा, मास। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल आएगा, मास। अब आप चाहते हो मास से मोल निकालना, तो मास को डिवाइड कर दे अगेन उस ग्रीन वाले से, दैट इज़ कॉल्ड एज मोलर मास, तो मोल निकल आएंगे। तो मोल से मास और मास से मोल्स। अब पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे, हमने वॉल्यूम से मोल निकाल लिए, किसी भी चीज़ से आप मोल निकाल सकते हैं। तो मोल से पार्टिकल्स का क्या रिलेशनशिप है, क्रॉस मीन मल्टीप्लाई करना है, मोल को किस से, उस ग्रीन वाले से, एवोगैड्रोस नंबर से। तो मोल से क्या निकल आएंगे, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है अगेन उस ग्रीन वाले से, तो क्या निकल आएंगे, मोल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब से मोल बनाए जा सकते हैं और मोल से ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। क्रॉस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है तो इस ग्रीन वाले से, डिवाइड भी करना है तो इस ग्रीन वाले से। अगर यहाँ पर आते हैं, डिवाइड भी करना है तो इस ग्रीन वाले से, मल्टीप्लाई भी करना है तो इस ग्रीन वाले से। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करना है इस ग्रीन वाले से, डिवाइड करना चाहते हो मास को मोल बनाने के लिए, तो अगेन इस ग्रीन वाले से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। अगर डियर स्टूडेंट्स ये ट्रिक आपको समझ आ जाए तो आप हर चीज़ को निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड वॉल्यूम, यू कैन फाइंड मास, यू कैन फाइंड पार्टिकल्स, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरे लिए दुआओं में याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये इजी ट्रिक है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे डी पढ़ चुके हैं मोल वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, एवरीथिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये ट्रिक इन सब को इंटर कन्वर्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।